सोनीपत में आपसी रंजिश में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज भी सोनीपत के गांव मंडोरा के रहने वाले सोनू नाम के युवक की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी। सोनू का शव गांव नाहरा के खेतों में मिला। सोनू की शर्त ही उसका गला घोंटकर हत्या को अंजाम दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव मंडोरा का रहने वाला 26 साल का युवक सोनू सुबह खेतों में टहलने गया था, लेकिन उसका शव गांव नाहरा के खेतों में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सोनू की शर्त ही उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस को उसकी पहचान मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया और परिजनों की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के सामने अब चुनौती है कि इस हत्याकांड से पर्दा उठाया जा सके। ये भी सुबह जो है ना 3-4 बीच में घूमने फिरने गया था, तो फिर जी और उसके बाद जो है ना हमने पता लगा, मैं तो मेरे लगा रहता हमारे बच्चे के, तो वहाँ जो है ना खेतों में गिर गिर रखा था, वहाँ से प्रशासन जो है ना रोड पर लेके टेक रहा था इसको पहचान के लिए कहाँ का के है। वहाँ जो है ना पहचान हुआ तो बेरा लग गया वहाँ का लड़का। क्या क्या नाम था? सोनू। क्या करता है ये? मजदूरी करता था ये। कितनी उम्र थी? बच्चे भी हैं कोई? हाँ, ये उम्र थी 26-27 साल उम्र थी। किसने क्या गर्दन पे कोई निशान है क्या? गर्दन पे ये उसकी सुरक्षा जो ना कैसे टच का मारा करना मगर आज दिनांक 5 जुलाई को थाना कुंडली में सूचना प्राप्त हुई कि गांव नार आगे खेतों में एक युवक का शव पड़ा है। जिस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास पूछताछ की तो शव की पहचान अशोक उर्फ सोनू निवासी मंडोरा के तौर पर हुई। मृतक युवक की शर्ट से ही उसका गला घोटा हुआ प्रतीत हो रहा था। शव का अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मामले की जांच जारी है।